गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक्स व्हाट इज सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल देखें, उसके बाद इवन ऑड सिग्नल्स देखें। मतलब सिग्नल का क्लासिफिकेशन में हम लोग इवन ऑड डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक और इवन ऑड, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक सिग्नल में हम लोग थे। पीरियोडिक सिग्नल को कम्प्लीट नहीं किया हूँ, उसको करूंगा। उसके बाद एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल देखेंगे, तो जो भी आप क्लासिफिकेशन बचा हुआ है उसको आज हम लोग कम्प्लीट करेंगे। अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से तो पूछ सकते हैं। अभी क्लास चल रहा है क्या आप लोग का? नो सर, बच्चे कम ज्वाइन किया जाए। पीरियोडिक सिग्नल तो आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में भी, तो कुछ बताइए पीरियोडिक सिग्नल किसको कहेंगे? एनीवन? पीरियोडिक सिग्नल किसे कहेंगे वो तो बताइए। नहीं हो पाएगा। A signal is said to be periodic if it has definite pattern and repeat itself at regular interval. मतलब कि जो भी pattern follow कर रहा है, definite pattern follow करेगा, मतलब कि एक है pattern, उसी pattern को follow करेगा और वो repeat करेगा itself in regular interval. That is known as periodic signal. जैसे कि sinusoidal wave है, आप देखे होंगे कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइन का जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर पीक पर जाता है पॉजिटिव हाई, फिर नेगेटिव हाई जाता है, उसके बाद टू पाई पर आके अपना एक फिर जीरो आ जाता है, फिर वहां से टू पाई के बाद फिर सेम चीज टू पाई से फोर पाई तक रिपीट करता है। तो आप देख रहे होंगे कि फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप फिक्स पैटर्न फॉलो करते हुए और एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सर पीरियोडिक सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, पीरियोडिक सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस में हाँ कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कंटिन्यूअस होगा और डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा ना। डिसकंटिन्यू हो गया तो रिपीट सेम चीज पैटर्न रिपीट नहीं करेगा ना। यस अब देखिए ये भी रिपीट कर रहा है, आप देखेंगे कि जीरो वन पर जो है वो टू पर जो है, फिर फोर पे आ रहा है, फिर फाइव पे आ रहा है, फिर सिक्स, वही सेम चीज रिपीट कर रहा है। इसका देख के आप लोग बताइए कि इसका पीरियोडिसिटी कितना है। देखिए तो बताइए ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है, इसका पीरियोडिसिटी कितना है? बताइए
स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। बताइए, देख के बताइए, देख के तो बता सकते हैं ना कि कहाँ। थ्री थ्री, और कोई? पूजा, अप्सरा, थी। थ्री के बाद रिपीट हो रहा है या फोर के बाद रिपीट हो रहा है ये? अब देखो फिर से, मैं आता हूं फिर थोड़ा सा लिख देता हूं। रेगुलर टाइम इज नॉन एज देखिए, यहां पर आप थ्री बोले योगी। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब ये बताओ इसका कितना पीरियडिसिटी है? बताइए, हेजिटेट मत होइए। देखिए हम तो छोड़ो, आपको डांट रहे हैं या मार रहे हैं, हेजिटेट मत होइए, बताइए, कोई भी बताइए। शाबली, प्रियंका, पूजा, इसका पीरियडिसिटी बताओ क्या होगा? कोई नहीं बता पा रहे हैं। अरे गलत सही कुछ तो बोलिए। सर पाए पाए, और कोई? और किन्हीं का? एक ही आंसर, क्लास में एक ही बच्चे हैं क्या? देखिए पाई कैसे होगा योगेश? कौन, योगेश ना बोला था आंसर? यस सर, योगेश पाई देखो के बाद पाई क्यों, रिपीट। कहाँ रिपीट हो रहा है? तुम जो यहाँ जीरो से चल रहा है, जीरो के बाद क्या हो रहा है? जीरो से तुम्हारा देखो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जीरो से लेके तुम मान लो कि यहाँ पे पाई बाई टू गए तो ये मैक्सिमम आया। तो पाई अगर तुम्हारा पीरियडिसिटी रहेगा तब पाई से प्लस पाई बाई टू एड करोगे तो फिर यहाँ मैक्सिमम आना चाहिए, तो वो तो रिपीट नहीं हो रहा है। सेम पैटर्न पाई के बाद तो रिपीट होना चाहिए ना, पाई के बाद तो फिर सेम चीज आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा है। तो सेम चीज कहाँ पर आ रहा है आपका? टू पाई पे। हाँ, इट मीन्स पीरियडिसिटी कहाँ हो गया? टू पाई हो गया। यहाँ पे आप देखिए रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सेम पैटर्न जो है रिपीट कितने इंटरवल के बाद से स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी द पीरियडिसिटी ऑफ आवर सिग्नल। अब यहाँ पर बताओ योगेश, अब क्या होगा यहाँ पर पीरियडिक? दो क्यों होगा बाबू? दो के बाद स्टार्ट हो रहा है सेम। फोर फोर क्या होगा? फोर सर। फोर क्यों होगा? अब तुम देखो जीरो पर जो है
यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, जीरो से स्टार्ट है, जीरो पर क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, वो चीज कहाँ पर आ रहा है, वो थ्री पे आ रहा है। तो मतलब कि जीरो से थ्री आपका पीरियडिक होगा, उसके बाद आप देखोगे कि थ्री के बाद जैसे कि थ्री गैप है, उसके बाद फोर से एक वन आ रहा है वैल्यू, यहाँ जीरो से वन के बाद एक गैप के बाद वन आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न है तो आपका फिर ये थ्री से सिक्स पैटर्न जाएगा। तो आपका जो पैटर्न है पूरा जीरो से थ्री तक में एक फिक्स पैटर्न है, फिर जीरो से थ्री से सिक्स एक पैटर्न है जो कि सेम रिपीट हो रहा है। तो आपका पीरियडिसिटी कितना हो गया, एन इज इक्वल टू थ्री। क्लियर हुआ? अभी भी कुछ डाउट है? अब देखिए मैं एक और देता हूं सिग्नल्स, ठीक है? अब इसका बताइए पीरियडिसिटी क्या होगा? पाई, ठीक है। टू पाई क्यों नहीं होगा? टू पाई का आप जीरो से पाई का रेंज, टू पाई के रेंज में जो है वही चीज, तो फिर वो टू पाई से फोर पाई भी रिपीट हो रहा है, तो टू पाई क्यों नहीं होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? इसका रीजन क्या है कि एक्स टी प्लस टी जो लेते हैं, और ये एक्स टी होना चाहिए, एक्स टी प्लस टी, ये जो है हमारा इंटरवल, इट शुड बी स्मॉलेस्ट, देन फंडामेंटल पीरियड आपका पाई होगा, मतलब कि आपका जीरो से टी। रिपीटेशन तो आपका टू पाई के बाद भी हो रहा है अब उस तरह से देखोगे तो, लेकिन आपका जो है ये आपका जो मतलब कि आप छोटा से छोटा इंटरवल ले देंगे जितना में रिपीटेशन स्टार्ट चल रहा है, तो दैट विल बी द टी, तो होगा स्मॉल होगा, तो स्मॉल हमारा टी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो से पाई, मतलब कि पाई के बाद फिर रिपीट हो रहा है। हम ऐसे कहेंगे कि जीरो से टू पाई भी सेम पैटर्न है, लेकिन वो नहीं लेंगे, हमारा स्मॉलेस्ट क्या मिला, जीरो से पाई, तो पाई हमारा पीरियडिसिटी होगा। जहां तक कभी भी डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब साइनोसाइडल सिग्नल्स है, मान लीजिए कि कोई एक्स टी कोई साइनोसाइडल सिग्नल्स है, साइन ओमेगा टी, तो इसका हमको पीरियडिसिटी देखना है, तो इसका पीरियडिसिटी क्या होगा? तो आप देखिए एक्स टी प्लस टी करेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, यहां तक किन्हीं को डाउट, साइन देन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। अब क्या है कि ओमेगा टी का वैल्यू क्या रखेंगे जो ये साइन ओमेगा टी इटसेल्फ आ जाए, तो हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर टू पाई रखेंगे, इसकी जगह पे ओमेगा टी इक्वल टू टू पाई, देन यू विल गेट साइन ओमेगा टी एंड देन यू विल गेट एक्स टी, तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल टी आएगा, पीरियडिसिटी आएगा टू पाई बाय ओमेगा आएगा। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टाइम पीरियड कितना हुआ आपका, टू पाई बाय ओमेगा। अगर कोई सिग्नल साइन ओमेगा टी है तो आपका पीरियडिसिटी इट विल बी टू पाई बाय ओमेगा। तो इसी तरह कोई सिग्नल है एक्स टी इजकल टू साइन 40, अब साइन इजकल टू 40 है तो इसका पीरियडिसिटी क्या होगा बताइए, टी टू पाई बाय ओमेगा की जगह पर 4 है तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। अब करके देखो आपको पाई बाय 2 ही आएगा, क्योंकि एक्स टी प्लस पाई बाय 2 लीजिए और साइन 4 टी प्लस पाई बाय 2 लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 4 टी प्लस 2 पाई, देन यू विल गेट साइन 40 एंड साइन 40 इज नथिंग बट एक्स टी, देन यू विल गेट ये। तो अगर साइनोसाइडल सिग्नल्स रहा तो डायरेक्टली टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, गुड। अब देखिए, अब है
थर्ड केस है, केस थर्ड है आपका है, मान लीजिए कि कोई सिग्नल्स है, अब इसका पीरियडिसिटी बताना आप लोग, इसका आप लोग बता दोगे ना तो मानेंगे कि मेरा फोर पी, इसका पीरियडिसिटी बताइए, हो पाएगा? किन्हीं से हो पाएगा या नहीं? अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिएगा आप लोग, किन्हीं से हो पाएगा या नहीं डायरेक्टली बोलिए ना, तो हम आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। नो सर। ठीक ठीक, देखिए यूलर्स फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई टू पावर जे थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है? तो आप यूलर फॉर्मूला से इसको तोड़िए, कॉस टी जे रहेगा तभी यही टूटेगा, जे नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा तो नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर जे जगह पर माइनस फोर्टी है तो कॉस फोर्टी हो जाएगा और माइनस रहेगा, अगर ये यही चीज माइनस जे थीटा रहता है तो ये होता है कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, तो माइनस साइन फोर्टी आ गया, जे फोर्टी आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब कि कॉस फोर्टी और साइन फोर्टी का इंडिविजुअल आप टाइम पीरियड निकालिए टी वन और इसका T2, तो दोनों का क्या आ जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू। तो इसका दो फंक्शन जब भी रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन रहेगा, मान लीजिए कोई एक्स टी फंक्शन ऑफ एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी रहा, तो इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालना है T1 एंड T2, उसके बाद देखना है कि T1 अपॉन T2 रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, अगर रेशनल नंबर होगा तो आपका जो कंबाइन जो है वो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नॉट पीरियोडिक, ए पीरियोडिक। जब ये रेशनल नंबर रहेगा तो मान लीजिए कि टी वन अपॉन टी टू इजकल टू के, कोई रेशनल नंबर आया तो टी वन के टी टू आपका इजकल टू कैपिटल टी, जो आपका ओवरऑल पीरियडिसिटी आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए T1 अपॉन T2 क्या है पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू, ये क्या हो गया वन, और तो T1 इक्वल टू T2और वन इक्वल टू, सॉरी T1 इक्वल टू T2 वो मल्टीप्लाई इक्वल टू कैपिटल T जो आपका टाइम पीरियड होगा ओवरऑल सिग्नल्स का, तो XT का तो टाइम पीरियड हो जाएगा ये पाई बाई टू है, जो कि कॉस और साइन के साथ कंबाइन है। यहां तक इन्हीं को डाउट है समझने में तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़े अगर डाउट नहीं है तो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन सिग्नल्स देता हूं, एक्स टी इजकल टू साइन टू पाई टी प्लस साइन टू टी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट ये पीरियोडिक है या नहीं है, अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियोडिसिटी कितना होगा ये आप बता दो, तो आज का क्लास हमको पढ़ाना भी सफल हो जाएगा। पांच मिनट टाइम देते हैं।
ए पीरियोडिक आएगा फिर। ए पीरियोडिक होगा, क्यों होगा योगेश? सर फर्स्ट का टाइम पीरियड 1 आ रहा था, उसका पाई, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए इसका T1 का पीरियोडिक सिटी क्या होगा, फर्स्ट सिग्नल का 2π बाय ओमेगा, तो 2π, तो ये 1 आ गया। इसका पीरियोडिक सिटी क्या आ जाएगा बाबू, T2 इक्वल टू 2π बाय 2, तो ये आ जाएगा पाई। तो हम लोग T1 अपॉन T2 जब करेंगे तो 1 अपॉन पाई, ये ई रेशनल नंबर है। सो आवर सिग्नल इज एपीरियोडिक। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं? छावली, मनीष, यस सर, प्रियंका, क्लियर हुआ ना? इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे ना? इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा तो कर लेंगे ना? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसमें एक और कर लो तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आ गया पूरा। XT इज इक्वल टू cos 2t इनटू cos 4t, इसका बताइए पीरियडिसिटी क्या होगा। देखिए इनटू में है ना, तो डायरेक्ट टी वन टी टू नहीं निकाल सकते हैं, आपको जो भी है इसको प्लस में करना होगा। तो प्लस में करने के लिए आप देखिए इसको आपका हाफ इंटू टू से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस टू टी इंटू कॉस फोर टी आ जाएगा। तो कॉस सी इंटू कॉस डी का फॉर्मूला पर ये सेट करेगा, ठीक है? तो कॉस सी कॉस डी पर आ जाएगा, तो हाफ इंटू आपका कॉस डी मतलब कि ए माइनस बी, तो बी माइनस ए, तो आप कीजिएगा तो 4t माइनस 2t प्लस कॉस 2t प्लस 4t, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ कॉस 2t प्लस कॉस 6t आ गया बाबू। और यहाँ से t1 इक्वल टू, यहाँ से t1 इक्वल टू आ जाएगा 2π बाय 2 पाई, और t2 इक्वल टू 2π बाय 6 पाई बाय 3। तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन पाई बाई 3, कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। तो t1 इक्वल टू 3, t2 आ जाएगा इक्वल टू t, तो 3 to 2 आ जाएगा या t1 आ जाएगा, तो आपका पाई आ जाएगा। तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा पाई, ओवरऑल जो पीरियडिसिटी आएगा इसका पाई हो गया आंसर। यहाँ अभी भी और डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े? यस सर। अब देखिए अभी तक तो हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए देख रहे थे, ठीक है? लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो रिपीटेशन दिया हुआ है ये, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां से फाइंड आउट कर लोगे कहां पर रिपीट कर रहा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन जब मैथमेटिकली की बात आएगी तो जैसे कि उसका साइनोसाइडल तो आ रहा था, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, इसके लिए होगा बाबू जैसे कि xn इज इक्वल टू, मान लीजिए कि साइन ओमेगा n कोई सिग्नल्स है, तो हम लोग को एक्स एन यहाँ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन ओमेगा एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है? तो साइन ओमेगा एन प्लस ओमेगा कैपिटल एन, तो ये भी जो है
ये आपका क्या होना चाहिए, 2 पाई आ जाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर 2 पाई के बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो हम उसके जगह पर 2 पाई रखते हैं इसके जगह पे, तो साइन ओमेगा एन प्लस ओमेगा कैपिटल एन, सॉरी 2 पाई ये क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा एन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स एन प्लस कैपिटल एन इजक्वल टू एक्सन आ रहा है, कब आ रहा है, कैपिटल एन इजक्वल टू सॉरी ओमेगा कैपिटल एन इजक्वल टू 2 पाई रखें, और ये जो है कैपिटल एन इजक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रखें। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर साथ में एन के साथ 2 पाई बाय ओमेगा के साथ एक मल्टीप्लाई आएगा वैल्यू, वो के रहेगा, के कुछ आर्बिट्री नंबर है। क्योंकि k इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते इसको हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाना है, इसको हम लोग को इंटीजर वैल्यू बनाना है। लास्ट क्लास में भी बताए थे हम लोग कि जो भी है, मतलब कि आपका जो डिस्क्रीट सिग्नल्स है वो तो सारे इंटीजर वैल्यू पर ही डिफाइन होगा, जो हम लोग सैम्पलिंग के बाद जो आता है वो इंटीजर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हमको ये चीज डिफाइन करना है, हमको ये इंटीजर वैल्यू होना चाहिए ना कि नॉन इंटीजर वैल्यू। तो पूरा जो पूरा है आपका सिग्नल्स आपको पूरा इंटीजर वैल्यू पर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपका प्रेडिक्ट सिग्नल्स नहीं होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सन इज इक्वल टू साइन 2 पाई एन, और एक्स वन और एक्स टू इज इक्वल टू एक्सन इज इक्वल टू साइन 4 एन। अब बताइए इसमें पीरियोडिक कौन है और नॉन पीरियोडिक कौन है, और पीरियोडिक है तो कितना पीरियोडिसिटी है, दोनों का बताइए। होगा किन्हीं से, सर 1 और π/2। अब पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करो, ये पीरियोडिक है कौन सा सिग्नल, दोनों में से कौन सा पीरियोडिक है, और मैंने है तो कितना पीरियोडिसिटी है। किन्हीं से देखिए, इसका डायरेक्टली एन इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के जगह पर 2 पाई रखिएगा, तो ये क्या जाएगा 1, डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो मतलब कि ये पीरियोडिक है। अब यहाँ पर एन इजकल टू निकालिएगा 2 पाई अपॉन 4, तो 2 आ गया। अब जो 2 आया है, आप के का वैल्यू कुछ भी रखोगे, 2 भी रखोगे, तब पर भी ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे कि दो सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन रहा, मान लीजिए कि xn is equal to x1 n और x2 n का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यहाँ पर पीरियडिसिटी n1 है, यहाँ पर n2 है, तो
तो इसका भी उसी तरह आपको एन वन अपॉन एन टू शुड बी रेशनल नंबर और एन वन अपॉन एन टू, मान लीजिए कि कोई के वैल्यू आ रहा है तो एन वन इक्वल टू के एन टू विल बी एन, जो कि ओवरऑल पीरियडिसिटी होगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल का क्लासिफिकेशन था। तो देखिए एनर्जी सिग्नल्स क्या होगा, जिसका एनर्जी वैल्यू फाइनाइट होगा और एवरेज पावर जीरो। एनर्जी सिग्नल्स वो सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स लिख देता हूँ, a signal is said to be an energy signal if and only if its total energy is finite, that is जीरो से लेके इन्फिनिटी से छोटा, फॉर एनर्जी सिग्नल द एवरेज, सर इनफाइनाइट होगा वहां पे, फाइनाइट लिखा। हाँ इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए, इनफाइनाइट का इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है ना। ओके, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। पावर इक्वल टू जीरो, ठीक है, द नॉन पीरियोडिक सिग्नल और एग्जांपल ऑफ, इतना लगभग जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है वो इसका है। तो एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू लिमिट T टेंस टू इनफिनिटी माइनस हाफ P बाय टू। T क्या है, पीरियडिक सिटी, P बाय टू x मॉड ऑफ x स्क्वायर dt। और पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर कैलकुलेट करते हैं हम लोग लिमिट T टेंस टू इनफिनिटी वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू मॉड एक्स टी पर टी। टी एनर्जी सिग्नल्स के लिए एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए, पावर जीरो होना चाहिए, बट पावर सिग्नल्स के लिए क्या होगा, पावर सिग्नल के लिए क्या करना होगा, पावर शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए और एनर्जी विल बी इनफाइनाइट, एनर्जी विल बी इनफिनाइट आएगा, देन सिग्नल नॉन एज उसी तरह लिख लीजिएगा आप लोग, ए सिग्नल इज सेड टू बी एंड सेड टू बी ए पावर सिग्नल इफ एंड ओनली इफ इट्स टोटल पावर एवरेज पावर इज फाइनाइट, जीरो से पी इंफिनिटी, फॉर एन फॉर पावर सिग्नल द एनर्जी शुड बी इनफिनिटी, बस पीरियडिक सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स। तो इस तरह करके आप लोग थोड़ा सा बना के लिख लीजिएगा, आज यहीं तक रहने देते हैं, इन्हें और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में रियल और इमेजिनरी, रियल इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल करवा दूंगा कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी और पावर, और उसके बाद मतलब कि रियल और वो, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मने की सिग्नल्स टू सिग्नल्स तो कैसे हाउ टू मल्टीप्लाई सिग्नल्स हाउ टू ऐड सिग्नल्स हाउ टू सबट्रैक्ट सिग्नल्स वो कर लेने के बाद फिर आप लोग को सिस्टम पे आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा तो फिर ये यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है उसको दिखा दूंगा, उसको थोड़ा सा बता देंगे तो वो सब हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं। किन्हीं को डाउट नहीं है तो फिर लैब कर सकते हैं क्लास। सर ये जो एनर्जी और पावर का लिखा है, हाँ सर वो इक्वेशन लिमिट वो कैसे लिखा है, मतलब डिफाइंड है या फिर आवाज कट रहा है योगेश? हेलो योगेश, आवाज कट रहा था, क्लियर से बताओ ना। हाँ सर, वो जो एनर्जी और पावर का लिखा है ना लिमिट, वो कैसे लिखा है, मतलब सर वो मतलब डिराइव्ड है सर या फिर ये एनर्जी इक्वल टू लिमिट? यस सर, वो दोनों जो फार्मूला लिखे है ना, यस सर फार्मूला लिखे है ना, ये एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला सब है ऑलरेडी, ये जो फार्मूला है ऑलरेडी एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, तो ये डिफिनेशन से आता है। तो आप एनर्जी और पावर का एक बार थोड़ा सा देख लेना तो पता चलेगा। एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज मतलब कि जो हम लोग जो सिनस है तो स्क्वायर रूट जब करोगे स्क्वायर और उसको ओवरऑल इंटीग्रेशन देखिए, मान लो जी कि ये प्रेडिक्शन हो सकता है, ठीक है, तो पावर कितना कंटेन कर रहा है तो इसका जो स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका पूरा टोटल एरिया इसके अंदर जो है तो वो टोटल आपको पावर फाइंड आउट करेगा। तो वो आपका सारा का नहीं निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हमको एक पूरा एक पीरियडिसिटी पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि पर पीरियडिसिटी, तो इसलिए 1/T से डिफाइन हुआ, एनर्जी में वो चीज नहीं होगा तो टी से डिवाइडेड नहीं होगा। ये कैलकुलेट पूरा फार्मूला डिराइव नहीं होता है, पर डिफिनेशन से फाइंड आउट किया हुआ है, ये फार्मूला है एनर्जी और पावर का। ओके सर, आई स्क्वायर आर जब करते हो ना, आई स्क्वायर आर तो तुम्हारा क्या निकलता है, पावर निकलता है ना, आई स्क्वायर आर कोई भी कैपेसिटेंस वहां पर, तो वहां से देखो तुम यहाँ पर XT जो है दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है तो वहां से हम लोग वो एक तरह से कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स मतलब क्या, मतलब XT एक आर्बिट्री सिग्नल मान रहे हैं लेकिन मे बी वो तो वोल्टेज सोर्स होगा तो V²R होता है, तो यहाँ I²R होता है जब ये करंट होता है, तो दैट इज द V और I क्या है, सिग्नल्स ही है ना, तो वहां से ही अब तुम देखोगे ना वहीं से आता है ये चीज। ओके सर, और कने